जाने के बाद? मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं परसौर की पत्नी चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी हूँ। सर मैं 3 महीने से परेशान हूँ। क्या है पूरा मामला? प्रॉब्लम मेरा एक, मेरी जमीन है सिंघी ताले में सर, और मैं एक नवनीत सिंह को दिए थे किराया पर, पार्टनरशिप में मेरा लड़का भी था, और उससे 4 लाख रुपया ले लिया, और मेरी ज़मीन अब खाली करने को कह रहे हैं, तो कह रहा है कि हमको 15 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो हमसे रजिस्ट्री करवा लीजिए, 2 बिस्सा ज़मीन, पूरी ज़मीन हमको छोड़ दीजिए, और धमकी मेरे बच्चों को दे रहा है सर। मैं बहुत परेशान हूँ, हर जगह दौड़ गई SP साहब के यहाँ, दरोगा साहब के यहाँ, थाने में कई बार गई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं विधवा पत्नी हूँ सर, मेरे बच्चे 2 हैं, मेरे बच्चों को रोज़गार नहीं है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी ज़मीन और मेरा दूसरा कोई कब्जा करके मजा ले रहा है, उल्टा हमको फंसा दिया सर। उसने पहले मेरे से बोला कि तुम उस पर अपना दुकान बना लो, अब मैं गई सर उसको लेबर अपना रख के, और लेबरों से सफाई का काम करवाने लगी, तो साफ सफाई का काम करवाने लगी। जी मेरा नाम विकास तिवारी है, ये मेरी माता जी हैं, मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर तिवारी जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने 5 साल, प्रकरण पूरा मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, 5 साल पहले मेरे पिताजी ने इस ज़मीन को किराए पे दिया था नवनीत सिंह को। नवनीत सिंह है सर, RR मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे अमोकपुर में इनका घर है, और ये काफ़ी दबंग किस्म का व्यक्ति है, हम पहले इसको पहचान नहीं पाए, आंटी जी करके मेरे मम्मी और पापा को पहला फुसला के इसने किरायानामा लिखवा लिया है। किरायानामा 11 महीने तक का मान्य था, उसके बाद एक और किरायानामा बनाया गया है 2019 से 20 तक का, उसका पेपर मेरे पास है। इस बीच हमने जब किरायानामा समाप्त हो गया तो हमने कहा कि हमारी ज़मीन भैया खाली कर दो, आप कहीं और अपना शिफ्ट कर लो, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें वो ज़मीन नहीं दी है, ना मैंने रजिस्ट्री किया हुआ है। ये फर्जी दस्तावेज लेके हमारे खिलाफ़ उल्टा मुकदमा खड़ा किया है, हमारे ऊपर FIR करवाया है इसने। मैं स्वयं अपनी बूढ़ी माता को ले कर 1 महीने से कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के उच्च अधिकारियों के पास जा चुका हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये फर्जी दस्तावेज बनाया है जिस पर मेरे पिताजी का अंगूठा का निशान दिखा रहा है, और 8 साल का एग्रीमेंट 100 रुपये के पेपर पे वो व्यक्ति दिखा रहा है, जबकि मेरे पास स्वयं 2019 का एक पेपर है जिसपे भी नवनीत सिंह का दस्तखत है और मेरे पिताजी का भी दस्तखत है, जो कि 2019 से 2020 तक के लिए मान्य है, जो समाप्त हो चुका है। और मेरे पति जी स्वयं साइन करते थे नगर पालिका में, सर्विस करते थे सर, सर्विस होल्डर थे, वो कैसे अंगूठा का निशान लगाएंगे सर बताइए? निशान दिखा के निहायत ही दबंग व्यक्ति है, घर पे आके खुली धमकी देके जा रहा है, जमीन रजिस्ट्री कीजिए या 15 लाख रुपया दीजिए, नहीं आपका बुढ़ापा माताजी खराब हो जाएगा, ऐसी धमकी मेरी माँ को देके गया है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है उसकी, फोन करके धमकी दे रहा है कि तुम्हारे जी से बहुत सारे देखे, तुम जिस नेता के पास जाना है, जिस पुलिस के पास जाना है, जाके देख लो। इस तरह पूरी रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रशासन के सामने पेश की? जी हाँ, लेकिन सर कम से कम मैं 200 दरखास्त लगा चुका हूँ, SP साहब, एडिशनल SP साहब, CO साहब, थाना अलीनगर, यहाँ तक कि चौकी जफरपुर में भी, लेकिन कहीं अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर दर भटक रहे हैं हम लोग, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पर भी मैंने डाला हुआ है शिकायत, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल फ़ोन पर हमारा नाम पता पूछा जा रहा है, कार्रवाई के नाम पर 0, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति जो कि मेरी जमीन कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर मुकदमा, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, झूठा दर्ज करके। इंस्पेक्टर साहब के जाते नहीं लगा, इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब ने, माता जी मेरी गई थी, उनको कहा इंस्पेक्टर साहब ने, आप जाओ CO साहब से मिल गया हूँ, CO साहब ने इंस्पेक्टर साहब को लिखित रूप से दिया कि मामले की जाँच करके FIR दर्ज करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।